वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हरियाणा के सभी जिलों में लाभार्थियों से संवाद किया जा रहा है और इसके साथ ही प्रदेश अलग अलग जिलों में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर सभी में भारी उत्साह है। जनसंवाद यात्रा लगभग 40,000 ग्राम पंचायतों के साथ साथ यह कई शहरों में पहुंच चुकी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा पलवल के हसनपुर खंड के गांव बेला एवं अजीजाबाद एवं पलवल खंड के जलालपुर खालसा एवं गांव अरहरवा पहुंची। मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला ने ग्रामीणों को विकसित व आत्मनिर्भर भारत की संकल्प शपथ दिलाई और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी अवलोकन किया। इस मौके पर विधायक दीपक मंगला भी पहुंचे। मंगला ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि इस यात्रा का मकसद सरकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है जो इन योजनाओं का लाभ किन्हीं कारणों से नहीं ले पा रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में विभिन्न विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करते हुए उनका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कृषि विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से किस तरह से फसलों में दवा का छिड़काव किया जा सकता है, किसानों को डेमो दिखाया गया जिसे लेकर किसान भी इस तकनीक को लेकर उत्सुक दिखाई दिए। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों को संबोधित करते हुए विधायक मंगला ने कहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान अंत्योदय की भावना के साथ धरातल पर कार्य किए जा रहे हैं। रथ यात्रा में जिला प्रशासन की तरफ से विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर मौके पर ही पात्र लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। मंगला ने यह भी कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा अंत्योदय की भावना से हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है। इस यात्रा के दौरान नागरिकों को उनके घर द्वार पे जाकर सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस प्रकार अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का कार्य संभव हो पाया। इसके परिणाम स्वरूप ही आज समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रदेश की जनता को सरल व सुगम माध्यम से सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई परिवार पहचान पत्र योजना का असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो लोगों की हमारी केंद्र सरकार की प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे उसको लेकर के ये हमारी विकसित भारत यात्रा सभी गांवों के अंदर जा रही है और ये मोदी जी की गारंटी का रथ है। जो मोदी जी की और हमारी प्रदेश की जो योजना है वो गारंटी के साथ सभी को मिले और यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में परिवार पहचान पत्र दुरुस्त कराने में आयुष्मान कार्ड अगर किसी का नहीं बना है नहीं मिला है उसमें किसी के राशन कार्ड बनने में और जो हमारी गैस के सिलेंडर हैं जो हमारे गरीब परिवार हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनको गैस के सिलेंडर भी यहाँ पर मिल रहे हैं। जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ सीधा आम जनमानस को पहुंचे उसके लिए ये यात्रा जगह जगह गांव गांव आ रही है। निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा फायदा आम जनमानस को मिल रहा है। मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि सब अपने खेत की मिट्टी की जांच कराएं और जांच कराने के बाद में ये जो मेरे साथ में ये कार्ड है इस कार्ड को ये कार्ड मिलेगा और उसमें ये पता पड़ेगा कि हमारे खेत में किस चीज की कौन सी चीज कमी है और कितने खाद डाली जाए। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो दानेदार यूरिया से बचने के लिए नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। ये बहुत आसान है, इसको छिड़काव के द्वारा उपयोग करते हैं। मैंने कम से कम 3 बार छिड़काव किया है और ये बहुत आसान। कहाँ से हो? अजीजाबाद। आपको आयुष्मान का लाभ मिला है कुछ? हाँ मिला है। आपका फ्री इलाज हो गया? जाहिर है सीएम मनोहर लाल और केंद्र सरकार के प्रयासों से हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। वही विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरियाणा के हर जिले में धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है और इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और जनता के साथ संवाद भी किया। बता दें कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर लोगों में उत्साह है और इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का भी निस्तारण किया जा रहा है। वही संवाद के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। स्कूल
स्कूल शिक्षा मंत्री ने जगाधरी विधानसभा के कड़कोली गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान जहां लोगों को सरकार की जनहित की योजनाओं से अवगत करवाया, वहीं जनसंवाद कर मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया। स्कूल शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल ने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची, बिना सिफारिश और बिना किसी भेदभाव के सभी काम हो रहे हैं। पूर्व की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का ट्रेंड था, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने इस ट्रेंड को खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की तरह जगाधरी विधानसभा के प्रत्येक गांव में भी यह यात्रा जा रही है। इसी कड़ी में आज ये यात्रा कड़कोली गांव में पहुंची। स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा कि विकसित भारत बनाने की दिशा में केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। जनता को आज सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीबी को खत्म किया जाए, उसी उद्देश्य के साथ सरकार काम कर रही है। जनता के बीच इन कार्यक्रमों को लेकर काफी उत्साह है। पूर्व की सरकारों में हर काम के लिए सिफारिश का एक ट्रेंड हो चला था, लेकिन हम धीरे धीरे उसे खत्म करते जा रहे हैं। हम सिस्टम में परिवर्तन ला रहे हैं। आज प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान विकास कार्य हो रहे हैं। जनता जिस प्रकार से सहयोग दे रही है और सरकार जिस प्रकार से प्रयास कर रही है, दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार होगा। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बना, और उसके लिए जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो खुले में शौच जाना वो मुक्त करना है, चाहे पीने के पानी की बात है, चाहे गैस देने की बात है, चाहे और जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन करने की बात है, चाहे मेरिट पे नौकरी देने की बात, जितनी सारी, चाहे किसान को सीधी पेमेंट देने की बात है, चाहे जो गरीब आदमी है उसको एक लोन देने की बात है, उसका ब्याज भी सरकार देगी, तो गरीबी समाप्त करने की बात जो है, तो ये सारी योजनाएं इसलिए सरकार ने चलाई कि 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। तो उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में, जब हम जैसे हम गाँव में जा रहे, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लोग हमारे से मिलने आ रहे, और उनमें से ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हम एट द स्पॉट वहीं पर ही तुरंत कर रहे हैं। जो अधिकारी हैं वो लेके जाते हैं, उनको करके देते हैं। जैसे किसी की पेंशन लगनी, वो पेंशन साथ ही लगा के दी। आयुष्मान का कार्ड बनना हो, बनाया के साथ दिया, और बीपीएल जो कार्ड थे वो साथ के साथ बनाया के दे रहे। तो ऐसे सारा के सारे काम हम साथ के साथ करने लगे, और अगर कुछ काम रह गए तो उनको अधिकारी बताते हैं कि आप ऐसे से आओ और उसके बाद हम इसको ठीक कर देंगे। तो हम ऑनलाइन सारा सारा करने लग रहे, तो काफ़ी जनता में उत्साह है। और मैं समझता हूँ कि जब बीच में जाएंगे हम सारी बात बताएंगे, क्योंकि एक ट्रेंड रहा हर बात के लिए ना जी, कि सिफारस की जरूरत है। अब धीरे धीरे सिफारस के दौर को हम खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि अगर विकसित बनाना तो वे सारे सिस्टम बदलने पड़ेंगे। तो आज जिस प्रकार से आप ये भी लगा लो कि यहाँ तक कि आज तो ट्रांसफर में सिफारस नहीं है, नौकरी में तो कहाँ सिफारस होगी। तो ये सारी डेवलपमेंट में जैसे है कि भाई पंचायत में जितनी आबादी है उसके हिसाब से पैसे दे दिए, गांव अपने आप योजना बनाओ, अपनी डेवलपमेंट कराओ, स्वच्छता के लिए जिस प्रकार, तो ये सारे के सारी योजनाएं, इनके बारे में हम जिक्र भी करते हैं जनता के सामने, और जनता जिस प्रकार से सहयोग दे रही है और सरकार जिस प्रकार से काम में लगी, दोनों मिलके जब हम काम करेंगे तो निश्चित तौर से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है 2047 तक विकसित बनाने का, तो निश्चित तौर से सफल होगा। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल और केंद्र सरकार के प्रयासों से हरियाणा तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। मिसमालखा में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के माध्यम से आमजन की शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लेकर लोगों में उत्साह है। इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का भी निस्तारण किया जा रहा है। वहीं संवाद के जरिए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है।
यात्रा पहुंच रही है और उनमें मिली खामियों को दूर करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि योजनाओं का लाभ असल लाभ पात्रों को मिल सके। उनको भी इलाज आँख बन गई सही रेखा बनवाई। अच्छा पैसे नहीं लगे ना माँ जी आपके? नहीं पैसा नहीं लग गया। एक बार दिया था बट टिकट का वो काटे पर्ची और ना। उन्होंने कहा कि आज भारत मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2047 तक देश विश्व का सिरमौर बनेगा। उन्होंने कहा कि साल 2015 में हरियाणा के पानीपत से प्रारंभ किया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान आज सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। रेवाड़ी जिले में उस समय लिंगानुपात काफी चिंतित था जो कि आज जिले में बेटियों की संख्या 913 के पार कर चुका है और आगे भी इस दिशा में देश और प्रदेश की सरकार निरंतर कार्य करती रहे इसमें सुधार किया जाएगा। देखिए ये जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है और ये पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। यहाँ रेवाड़ी जिले के अंदर भी ये तीन हमारी जो है मोदी की गारंटी की गाड़ियाँ आई हुई हैं। रोज हम दो प्रोग्राम करते हैं, एक सुबह 10 बजे शुरू करते हैं, 2-2.5 घंटे वो चलता है, दूसरा हम प्रोग्राम 3 बजे शुरू करते हैं, वो 5:30-6 बजे तक चलता है। और लोगों का जो मोदी जी ने संकल्प लिया था कि जो सबसे अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसके जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, वो हमने पहले भी प्रयास करके उसको किया है, चाहे वो बुढ़ापा पेंशन की हो। इनके गांव में भी बताया कि आपके गांव में कितना लाभ किस किस को क्या क्या मिला है और जो लोग छूट गए हैं, जो लोगों के पास जानकारी नहीं थी अज्ञानता के कारण से, उन सब के पास मोदी जी ने ये गारंटी की गाड़ी भेजी है और यहाँ सब विभाग के लोग आए हुए हैं और हमने यहीं लोगों की जो भी समस्याएं थी उनका समाधान करने का काम किया है। और ये आप खुद देख रहे हो कि लोगों में उत्साह है, लोग अपना काम करा रहे हैं, हम बुला बुला के उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं और समस्याओं का समाधान अभी आपके सामने मौके पर भी करा रहे हैं। लोगों को इससे ज्यादा सुविधा क्या होगी कि गंगा घर में बह रही है, डुबकी डुबकी इन्हें लगानी है, हरिद्वार जाने की जरूरत ना आए कि गंगा जी और जाने की जरूरत ना, यहीं डुबकी लगा ले हैं। तो ये जो है सब अधिकारी बैठे हैं साथ में, सारी टीम आई हुई है, सबका काम हम यही कराते हैं। आदेश दिए हैं, मिट्टी भरवाने का तालाब के ऊपर मामला था तो वो अभी आदेश पंचायत अधिकारी को दिया है, उन्होंने कहा कि हम इसको काम को कराते हैं। जो जिस तरह की कोई समस्याएं सबके आदेश दिए और सबके काम को हम समय सीमा के अंदर पूरा कराएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो पानीपत की चौथी लड़ाई मोदी जी ने जो है उसको भी एक संकल्प के तौर पर लिया था और उसका परिणाम कल हमारे बनवारी लाल जी ने भी, स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी कहा कि 913 का आंकड़ा आ गया जो हमारा 814 का था, यानी 100 बेटियां हमारे 1000 बेटों के ऊपर ज्यादा जन्म लेने लग गई। तो निश्चित तौर पर जो बेटी बचाओ का और बेटी पढ़ाओ में भी हमारी बेटियां जो है, हमारे जिले की भी बेटियां, हमारे गांव की भी बेटियां एक से एक कारनामे कर रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब किसी भी क्षेत्र के अंदर हो। हमारी बेटियां यूपीएससी में भी कंप्लीट करके आ रही हैं, हमारी बेटियां आईआईटी में भी जा रही हैं, मेडिकल में भी जा रही हैं, आर्मी में भी जा रही हैं। कोई ऐसा क्षेत्र छूता नहीं बचा है जो हमारी बेटियां कमाल ना कर रही। भारत विकसित का सपना का संकल्प हमने जो है अभी आपके सामने सबको संकल्प दिलाया है कि देश की आज़ादी के जब 100 साल होंगे, 2000 आज विश्व की इकोनॉमी में हम 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गए, आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम 3रे नंबर पर पहुंच जाएंगे। और जो संकल्प है विश्वगुरु बनने का, विश्वगुरु की तरफ बहुत तेजी से हम लोग आगे बढ़े हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और 2047 तक विश्वगुरु ही नहीं बनेंगे, विकसित भारत ही नहीं बनेगा, पूरे विश्व का जो है सिरमौर भी बनेगा। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जो है हर भारतवासी अपना काम कर रहा है, देश के निर्माण में योगदान दे रहा है। जाहिर है कि सीएम मनोहर लाल और केंद्र सरकार के प्रयासों से हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज वन इंडिया के साथ।